एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। सार्वजनिक रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं? देखिए, सार्वजनिक रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था और हिंदू टेम्पल के स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके यहाँ पे एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। एएसआई ने अपनी फाइंडिंग में ये भी कहा है कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उस इंस्क्रिप्शन में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज्ड हैं और महामुक्ति मंडप जो स्कंद पुराण में जिसका जिक्र होता है वो भी इसमें मेंशन होता है। एएसआई ने ये भी बताया कि जो पिलर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं और उसी को दोबारा रीयूज़ किया गया इस मस्जिद में। साथ ही साथ एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बात कही है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ने का काम किया गया। और औरंगजेब को लेकर क्या कहा गया? एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि औरंगजेब का जो फरमान था वो मजलिसे आलमगीरी में कोटेड है और औरंगजेब के फरमान में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि उसने एक मंदिर को तोड़ा और एएसआई ने उस औरंगजेब के फरमान पे भी हेवली रिलाई किया। सनातन धर्म से संबंधित हिंदू देवताओं की खंडित मूर्तियां, कमल, नाग, स्वास्तिक, ये सारी चीजें मिली? काफी चीजें मिली हैं, 350 से ऊपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और वो सारे आर्टिफैक्ट्स हिंदू देवी देवताओं के हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं और उसको भी एएसआई ने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा है अपनी इस कार्रवाई के दौरान। वजू खाने को लेके क्या स्टेप होगा आपका? वजू खाने को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वजू खाना खुलवाने की मांग करेंगे। और क्या करेंगे आप? बस आगे जो भी लीगल कार्रवाई है वो आगे बढ़ती रहेगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वजू टैंक में एएसआई सर्वे की मांग करेंगे। विष्णु शंकर जैन जो कह रहे हैं कि सर्वे की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसमें सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वहाँ पहले मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, वाराणसी।